सुबह खैर, मेरी और फादर अनायत की तरफ से आप सबको मुकद्दस सर्जियस और मुकद्दस बाकस का यौम यादगार मुबारक हो, जो 303 में शहीद कर दिए गए थे। इन दोनों मुकद्दसीन का यौम यादगार मशरकी और मगरबी कलीसियाओं में मनाया जाता है। आज की पहली तलावत गलातियों उसका तीसरा बाब और उसकी 22वीं से 29वीं आयत तक। आज की पहली तलावत में हम सुनेंगे कि मसीह में ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम ना कोई आज़ाद, बल्कि हम सब मसीह में एक हैं। आज की इंजील मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब और उसकी 27वीं से 28वीं आयत तक। सी खुदावन ने कहा, ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मजहबी नफरत का शिकार लोगों को बताया गया कि मुकद्दस सर्जियस और मुकद्दस बाकस रोमी फौज में बहुत बड़े ऑफिसर थे। ये दोनों मुकद्दसीन बादशाह के बड़े मंजूर नज़र थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने रोमी खुदाओं के सामने कुर्बानी गुजारने से इनकार कर दिया। बादशाह ने इन दोनों मुकद्दसीन के रवैया से तंग आकर इनकी तरक्की रोक दी और इन्हें औरतों जैसा लिबास पहनाकर गलियों में घुमाया गया। बादशाह ने इन दोनों मुकद्दसीन को वस्ती शाम में भेज दिया, जहाँ पर इन पर शदीद तशद्दुद किया गया और ये तशद्दुद की ताब ना लाकर खुदावन में सो गए। क्या हम मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद मसीह खुदावन पर अपने ईमान में पुख्ता रहते हैं? याद रखिए, खुदा हमें बहुत प्यार करता है और उम्मीद है कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।